हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन्थ कंप्यूटर लेसन 3 का स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेसन 3 चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल एक ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें चार्ट को बनाना हम लोग जानेंगे। क्या होता है चार्ट? दिया हुआ है, देखा जाए। चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ए चार्ट इज ऑफ्टन कॉल्ड ए ग्राफ। चार्ट को एक तरह से ग्राफ भी कहा जाता है। इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यह डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। इट इज़ ए पावरफुल टूल्स दैट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट द डाटा इन डिफरेंट चार्ट फॉर्मेट्स सच एज बार, कॉलम, पाई, लाइन एंड सो ऑन। ओके, इट इज़ ए पावरफुल टूल। यह एक तरह का बहुत ही पावरफुल टूल होता है। दैट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट द डाटा, जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है इन डिफरेंट चार्ट, डिफरेंट चार्ट फॉर्मेट के रूप में, जैसे बार, कॉलम, पाई, लाइन, S1। इसी तरह जो है कई चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब जो आगे एग्जांपल दिया हुआ है उस पर जरा उसको जरा देखा जाए। ये देखिए, एक तरह का चार्ट बनाया गया है। एक चार्ट है यहाँ पे, हमारे पास डाटा दिया हुआ है। डाटा में कई सब्जेक्ट जैसे आर्ट हैं, साइंस है, कॉमर्स है, 2012 ईयर्स में दिया हुआ है। कुछ इस तरह से हमारे पास एडमिशन रिकॉर्ड है, मतलब एक डाटा है, कह सकते हैं एक हमारे पास डाटा है, रिपोर्ट्स है। अब उसका ये जो राइट साइड में दिया हुआ है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स एक चार्ट के माध्यम से इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, यहाँ देखिए लिखा भी है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दिए गए डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसी एडमिशन रिकॉर्ड है जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। इन द एबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में टेबुलर डाटा ऑफ द एडमिशन रिकॉर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड इन ए कॉलम चार्ट फॉर्मेट विच इज द प्रोवाइडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा देन जस्ट लुकिंग द नंबर्स। ओके, नेक्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ द क्रिएटिंग चार्ट्स। चार्ट बनाने के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं जो आगे पॉइंट्स के रूप में दिए गए हैं। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द डाटा बेटर। इट हेल्प्स, यह मदद करता है लार्ज क्वांटिटीज, जो बड़ी बड़ी मात्राओं के डाटा होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे पास डाटा होते हैं, उनको समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, मदद करता है। सेकेंड नंबर इज़, इट मेक्स डाटा एनालिसिस सिंपलर एंड कैप्चर्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस बिकॉज ऑफ द विजुअल अपील। ओके, ये किसी भी एनालिसिस को, किसी भी अध्ययन को बहुत ही सिंपलर और इंटरेस्टिंग बना देता है। नंबर थर्ड इज, इट प्रोवाइड्स एन ईजियर वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डाटा। इट्स प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड कराता है हमको ईजियर वे, एक आसान तरीका बनाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डाटा, डाटा को रीड करने के लिए और इसको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान बना देता है। ओके, क्विज के रूप में दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए चार्ट। ओके, अब नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज, पेज को टर्न किया जाए। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग है हमारा एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स। ओके, जो चार्ट होता है, कोई भी चार्ट, किसी भी डाटा का चार्ट अगर बनाया गया है, उसके
कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि दिया गया है, उसको हम लोग को स्टडी करना है। ए चार्ट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स एज सून, एक चार्ट के पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आगे आपको जो है दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं। ओके, अब देख लिया जाए, यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए। वैल्यू एक्सिस, डाटा टेबल लेबल्स, एक्सिस टाइटल, डाटा सीरीज, डाटा पॉइंट्स, चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लेजेंड, कैटेगरीज, एक्सिस। ओके, ये सब एक चार्ट के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ जानकारी करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, उस एलिमेंट्स का नाम दिया गया है और उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। देखिए, ओके, एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स इज वैल्यू एक्सिस। द वर्चुअल एक्सिस ऑफ द चार्ट इज नोन एज वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं, जो वर्टिकल मीन्स खड़े खड़े एक्सिस होते हैं वो चार्ट में, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं या फिर वैल्यू एक्सिस बोला जाता है। कैटेगरी एक्सिस, द हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ ए चार्ट इज नोन एज एक्स एक्सिस और कैटेगरीज एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल एक्सिस होते हैं उनको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर कैटेगरी एक्सिस बोला जाता है। डेटा सीरीज, दीज आर बार्स और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट डाटा वैल्यूज इन ए चार्ट। डेटा सीरीज क्या है? दीज आर बार्स, ये एक तरह से बार होते हैं जो खड़ी खड़ी पट्टियां होती हैं रेक्टेंगुलर शेप में, और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट डाटा वैल्यूज इन ए चार्ट, डाटा किसी चार्ट में डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डेटा पॉइंट्स, द पॉइंट्स दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट आर कॉल्ड डेटा पॉइंट्स। अब वो पॉइंट जो चार्ट में प्लॉटेड किए जाते हैं उनको हम डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। डेटा लेबल्स, दीज आर यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग डिटेल्स ऑफ द डाटा पॉइंट्स इन ए चार्ट। डेटा लेबल्स का यूज उस समय किया जाता है जब हमको किसी डेटा पॉइंट्स की को आइडेंटिफाइंग करना होता है। नेक्स्ट इज लीजेंड, द लीजेंड डिस्प्लेज द प्लॉटेड डाटा सीरीज विद द प्री डिफाइंड सिम्बल्स एंड द नेम ऑफ द सीरीज। इट इज ऑल्सो असाइंड ए यूनिक कलर टू ईच सीरीज। लीजेंड वो होते हैं एक चार्ट में ही एक किनारे पर एक सिंबल टाइप होते हैं जिससे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है, इट इज़ असाइंड ए यूनिक कलर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक कलर का यूज किया जाता है प्रत्येक सीरीज के लिए। ओके, नेक्स्ट इज चार्ट एरिया, द चार्ट एरिया इज टोटल रीजन ऑफ ए चार्ट इन विच चार्ट इज डिफाइंड। चार्ट एरिया वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जहाँ पे टोटल चार्ट को हम बनाते हैं, टोटल चार्ट की डिजाइनिंग की जाती है, उसको हम चार्ट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया, द एरिया ऑफ ए चार्ट इन विच योर डाटा इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, द एरिया ऑफ चार्ट, चार्ट का वह एरिया इन विच जिसमें योर डाटा इज रिप्रेजेंटेड, आपके डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल, द टाइटल गिवन इन ए चार्ट इज कॉल्ड ए चार्ट टाइटल। जो चार्ट का टाइटल दिया जाता है उसको हम चार्ट टाइटल बोलते हैं। द टाइटल गिवन इन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस टाइटल। अब जो एक्स एक्सिस में टाइटल दिए जाते हैं उसको हम एक्सिस टाइटल बोलते हैं। बोथ टाइटल हेल्प पीपुल टू अंडरस्टैंड, बोथ टाइटल्स हेल्प द पीपुल अंडरस्टैंड व्हाट द डाटा इज अबाउट। ठीक है, दोनों टाइटल आपको ये रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है कि जो है डाटा क्या है, डाटा क्या कह रहा है, डाटा के बारे में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। अब नेक्स्ट इसी क्रम में देखिए, अब देखिए नीचे दिया गया है, अभी
टाइप्स ऑफ एक्सेल चार्ट। एक्सेल चार्ट जो एमएस एक्सेल में यूज किए जाने वाले चार्ट होते हैं उनके कुछ टाइप्स दिए गए हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैरायटी के चार्ट यूज किए जाते हैं। यू कैन चूज, आप जो है चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी जो है चार्ट आप यूज कर सकते हैं। द बेस्ट फिट्स योर डाटा, जो आपके डाटा को में बिल्कुल फिट बैठे। सम पॉपुलर चार्ट ऑफ एक्सेल्स आर एज डिस्कस्ड बिलो। कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर चार्ट, कुछ पॉपुलर चार्ट दिया हुआ है एक्सेल के, कुछ पॉपुलर चार्ट के बारे में डिस्कस किया गया है आगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या पॉपुलर चार्ट दिए गए हैं, क्या क्या उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आपका दिया हुआ है जो डिफरेंट स्पेशल टाइप के चार्ट हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है वो देखिए। यहाँ पर है, फर्स्ट है कॉलम चार्ट। ओके, कॉलम चार्ट, और ये जो चार्ट बनाया गया है आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये कॉलम चार्ट का फिगर है। थोड़ा सा ध्यान से देखने पर हम देख पा रहे हैं कुछ वर्टिकल टाइप के बार दिए गए हैं, डेटा दिया गया है। ओके, तो कॉलम चार्ट, ए कॉलम चार्ट इज़ ए यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन वर्टिकल बार्स। ओके, इस चार्ट में वर्टिकल बार का यूज किया जाता है। इट गिव्स ए क्लियर व्यू ऑफ ए हाइट, द लोवेस्ट एंड द इंटरमीडिएट वैल्यूज। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज जनरली यूज्ड फॉर द इलस्ट्रिंग कंपेरिजन एमंग डिफरेंट वैल्यूज। इस टाइप के चार्ट का यूज हम जब किसी डाटा का के वैल्यूज का कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे किया जाता है, कंपेयरिंग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ए कॉलम चार्ट शुड बी यूज्ड व्हेन ऑर्डर इज कैटेगरीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक कॉलम चार्ट का यूज तब किया जाता है जब कैटेगरी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट का ये फिगर बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा और अगर झुकाते हैं। हाँ, लाइन चार्ट देखिए, ए लाइन चार्ट डिस्प्लेज ट्रेंड्स ओवर टाइम यूजिंग द पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू लाइंस। इसमें सारे पॉइंट्स लाइंस को कनेक्ट करके बनाए जाते हैं। ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू लाइंस। इट एम्फेसाइज टाइम फ्लो एंड रेट ऑफ चेंज रेदर देन द अमाउंट ऑफ चेंज। ए लाइन चार्ट कैन बी यूज टू शो डेली चेंजेस इन ए स्टॉक मार्केट। एक लाइन चार्ट का यूज शो करने के लिए किया जाता है डेली स्टॉक मार्केट में डेली की चीज़ों को जो है शो करने के लिए, डेली जो चेंजिंग होती है स्टॉक मार्केट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। मंथली टेम्परेचर, जो मंथली टेम्परेचर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर मौसम की चेंजिंग का डेली बाय डेली रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। ओके, एज सो ऑन, ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिसमें लाइन चार्ट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। ए पाई चार्ट, ये पाई चार्ट का आपका फिगर दिखाई दे रहा है जो सर्कुलर टाइप में है, नीचे लिखा भी है पाई चार्ट। ए पाई चार्ट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर पार्ट। इसको हम सर्कुलर पार्ट चार्ट भी कहते हैं। इट डिस्प्लेज द डाटा पॉइंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एज परसेंटेज ऑफ द होल। ओके, इस टाइप के डाटा में अपने डाटा को हम, इस टाइप के चार्ट में अपने डाटा को हम परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी होल के परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। द पाई चार्ट इज सब डिवाइडेड इंटू स्लाइसेस फॉर द रिप्रेजेंटिंग डाटा वैल्यूज। पाई चार्ट में जो पाई चार्ट होते हैं वो डिवाइड होते हैं, कई स्लाइसेस में जो है डिवाइड किए जाते हैं रिप्रेजेंटिंग द डाटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। द साइज ऑफ ईच स्लाइस शो व्हाट पार्ट ऑफ 100% इट रिपीट। प्रत्येक स्लाइस, द साइज ऑफ ईच स्लाइस, स्लाइस का जो साइज होता है वो 100%
100% के पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजिंग पाई चार्ट मंथली टेस्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ वोट्स परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। इस पाई चार्ट का यूज हम जैसे मंथली टेस्ट अगर कोई चीज मंथली टेस्ट ले रहे हैं उसमें किया जाता है, किसी स्टूडेंट का मंथली टेस्ट में यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ वोट जो इलेक्शन होता है तो उसमें जो वोट होते हैं उनके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ पृथ्वी पर जो पानी की मात्रा होती है वाटर की मात्रा होती है उसके परसेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ओके कैन बी रिप्रेजेंट इन सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओके अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखा जाए क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखिए स्टूडेंट्स ये आपके सामने बार चार्ट का फिगर बना हुआ है। बार चार्ट है एडमिशन 2016 इस टाइप के चार्ट है जिसको हम बार चार्ट कहते हैं। क्या खासियत खास बात है बार चार्ट की देखा जाए। ए बार चार्ट रिप्रेजेंट्स डाटा यूजिंग ए बार एट द डिफरेंट हाइट ओके। एक बार चार्ट में जो चार्ट का हाइट होता है वो डिफरेंट होता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कॉलम चार्ट ये काफ़ी हद तक कॉलम चार्ट से समानता रखता है। बट अनलाइक कॉलम चार्ट लेकिन ये कॉलम चार्ट से बिल्कुल ही अभिन्न होता है। द बार चार्ट यूजेज हॉरिजेंटल बार्स बार चार्ट में जो है हॉरिजेंटल बार्स का यूज किया जाता है इंस्टीड द वर्टिकल बार्स ओके। जबकि उसमें वर्टिकल बार्स का यूज किया जाता है इसमें हॉरिजेंटल बार्स का यूज किया जाता है। वी कैन कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज यूजिंग बार चार्ट हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए बार चार्ट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। एरिया चार्ट स्टूडेंट देखिए ये फिगर जो आपको शो किया जा रहा है वन सेकेंड हम आपको दिखा रहे हैं ये फिगर आप देख पा रहे हैं ये फिगर एक एरिया चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया चार्ट क्या है अब आपके सामने दिया भी है जरा देख लिया जाए। एरिया चार्ट एन एरिया चार्ट रिप्रेजेंट द टाइम ट्रैकिंग क्वालिटीज लाइक ए लाइन चार्ट बट आल्सो डिस्प्लेज रिलेटिव प्रोपोर्शन वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ कलर्स ओके। मीन्स ये इस चार्ट में जो है एन चार्ट रिप्रेजेंटेड ए टाइम ट्रैकिंग क्वालिटीज लाइक लाइन चार्ट बट आल्सो डिस्प्लेज द रिलेटिव प्रोपोर्शन वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ कलर्स इसको कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। द कलर चार्ट आर फिल इन द एरियाज बिलो द लाइन्स अब कलर्स को फिल किया जाता है जो एरिया लाइंस के अंदर जितने एरिया होते हैं उसमें कलर्स भर के रिप्रेजेंट किया जाता है। इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू ए लाइन ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है एज कंपेयर ए लाइन चार्ट की अपेक्षा ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। एंड अलाउज व्यूअर्स टू सी हाउ द डाटा सीरीज इन द बैकग्राउंड वेरी और व्यूवर्स को जो देखने वाले लोग होते हैं उनको डिफरेंट बैकग्राउंड दिखाई पड़ते हैं ओके। अब इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो है स्कैटर्ड चार्ट आप देख पा रहे हैं ये फिगर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्कैटर्ड चार्ट है। स्कैटर्ड चार्ट इसका मुख्य पॉइंट देखो पॉइंट ये हमारे डाटा का रिप्रेजेंटेशन है इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है ओके वन सेकेंड मेरा देख पा रहे हैं यू मस्ट हैव द प्लॉटेड ए ग्राफ इन मैथमेटिक्स यूजिंग द एक्स वाई वेरिएबल्स सिमिलरली इन एक्सेल यूजिंग द स्कैटर चार्ट ए सेट ऑफ द वैल्यूज कैन बी प्लॉट फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स द एक्स एंड वाई पॉइंट्स रिप्रेजेंट द डाटा रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली दिस टाइप ऑफ चार्ट इज वाइडली यूज फॉर द प्लॉटिंग स्टैटिकल एंड इंजीनियरिंग डाटा इस टाइप के डाटा का यूज जो है वो स्टैटिकल सांख्यिकी में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में
किसी भी इंजीनियरिंग चीज़ को जो है अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है, किसी भी इंजीनियरिंग डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे हम इस चार्ट का यूज करते हैं, एक्स वाई स्कैटर चार्ट का यूज किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। अब सारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट थे उसके बारे में दिया था बुक में, जिसके बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्रिएटिंग ए चार्ट इन एक्सेल। ओके, एक्सेल में चार्ट को कैसे बनाया जाए, बनाने के लिए आगे दिए गए हैं स्टेप जिसके बारे में जाना जाए हम लोग, कि कैसे अपने एमएस एक्सेल में हम लोग चार्ट को बनाएंगे, कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, क्रिएटिंग ए चार्ट इन ए सिंपल टास्क इन एक्सेल। ओके, एक्सेल में चार्ट को बनाना, चार्ट को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल टास्क होता है। टू क्रिएट ए चार्ट, चार्ट को बनाने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, जो आगे स्टेप दिए गए हैं उसको हम लोग को फॉलो करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप सेलेक्ट दी डाटा, सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना है जिस डाटा का चार्ट हमको बनाना है, दैट यू वुड लाइक टू यूज द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में सिलेक्ट द रेंज A1:B5 फॉर क्रिएटिंग ए पाई चार्ट। मान लिया गया कि जो है A1 से लेकर A5 तक के डाटा, उस डाटा रेंज को हमको सिलेक्ट कर लेना है, हमको बनाना है। ओके, नंबर सेकेंड, क्लिक ऑन द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट पे क्लिक करना है, पाई चार्ट इन द चार्ट ग्रुप एंड देन सेलेक्ट द चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में सिलेक्ट द फर्स्ट चार्ट अंडर 2D पाई। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, द पाई चार्ट विल बी क्रिएटेड एज सून। पाई चार्ट जो है, जो दिया हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ने लगेगा। द पाई चार्ट हैज़ 4 स्लाइसेस। पाई चार्ट में आप देख पा रहे हैं 4 स्लाइसेस हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, 1 फॉर ईच डिवीजन। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट्स द सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स। ईच स्लाइस, प्रत्येक स्लाइस रिप्रेजेंट करता है द सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का जो परसेंटेज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ईच स्लाइस, प्रत्येक जो स्लाइस है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्स के। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नीचे जो दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा हेडिंग है क्रिएटिंग ए कॉम्बो चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में एक कॉम्बो चार्ट बनाना। ए कॉम्बो चार्ट इज ए चार्ट दैट कंबाइंस टू आर मोर डाटा सीरीज टू मेक द डाटा इजी टू अंडरस्टैंड। द दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू व्हेन द नंबर्स इन योर डाटा वेरीज वाइडली फ्रॉम डाटा सीरीज टू डेटा सीरीज और यू हैव मिक्स्ड टाइप डाटा ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड वॉल्यूम। टू क्रिएट ए कॉम्बो चार्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट मीन्स कॉम्बो चार्ट मीन्स जब एक ही रिप्रेजेंटेशन में कई डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम कॉम्बो चार्ट कहते हैं। अब इस कॉम्बो चार्ट को बनाने के लिए स्टेप दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट टू आर मोर डाटा सीरीज। तो सबसे पहले ये दो या दो से अधिक डेटा सीरीज को हमको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट इंसर्ट टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट बटन होता है उस पर सिलेक्ट करना है। अब टर्न द पेज, नाउ लुक हियर, क्लिक ऑन इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। अब हमको इंसर्ट कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करना है, आइकॉन इन द चार्ट ग्रुप, एंड नेक्स्ट यू विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बो चार्ट। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वन। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट क्लस्टर्ड कॉलम्स लाइन आर सेकेंडरी एक्सिस। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज द कॉम्बो चार्ट विल अपीयर अकॉर्डिंग टू द योर डाटा सीरीज। हियर यू कैन सी स्टॉक एंड सेल्स आर क्लियरली विजिबल। जैसे जैसे हम स्टेप को हम बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे कि तो इस तरह का हमारे पास कॉम्बो चार्ट क्रिएटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज
एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट। स्टूडेंट्स, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए चार्ट, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग मीन्स होता है इट इज़ पॉसिबल टू एडिट एंड फॉर्मेट ए एग्जिस्टिंग चार्ट। हम जो चार्ट बना चुके होते हैं, सेव करके अपने मेमोरी में रखे होते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। एडिट मीन्स चेंजिंग द एग्जिस्टिंग टाइप्स ऑफ और लेआउट ऑफ ए चार्ट। एडिटिंग मीन्स होता है किसी भी चार्ट के लेआउट को चेंजिंग करना, ओके, चेंज करके उसको अपने हिसाब से बनाना, उसको एडिट कहा जाता है। एंड फॉर्मेटिंग मीन्स इन्हेंसिंग द अपीयरेंस ऑफ ए चार्ट। फॉर्मेटिंग मीन्स उसका किसी भी चार्ट का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, कैसा दिखाई पड़ना चाहिए, उसकी चेंजिंग हम कर पाते हैं। अब उसके भी स्टेप दिए गए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट ए चार्ट दैट यू वांट टू एडिट। पहले उस चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमको एडिट करना है। थ्री बटन्स विल अपीयर्स एट द अपर हाइट। थ्री बटन्स विल अपीयर एट द अपर हाइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट। नंबर सेकेंड, सिलेक्ट द फर्स्ट बटन नोन एज द चार्ट एलिमेंट बटन। ए लिस्ट ऑफ चार्ट एलिमेंट्स विल अपीयर विद द चेक बॉक्स। एंड स्टेप नंबर थर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टेप नंबर थर्ड, चेक द एलिमेंट्स दैट यू वांट टू अपीयर्स एंड अनचेक द एलिमेंट्स दैट यू डोंट वांट टू अपीयर्स। अब ये चेक बटन दिए गए हैं। अब जिस एलिमेंट को हम चाहते हैं तो उस पर चेक कर लेंगे, चेक मतलब उसको गुड कर देना, और जिस एलिमेंट को हम नहीं चाहते हैं उसको अनचेक कर दिया जाता है। जैसे अगर हम क्या क्या हमको रिप्रेजेंट करें, ये हमारा चार्ट है, अगर हम चाहते हैं कि वर्टिकल एक्सिस ना आए तो यहाँ पे अनचेक कर देंगे, और जो चाहते हैं कि आए उसके लिए अब चेक कर दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज सेटिंग ए चार्ट स्टाइल। सेटिंग ए चार्ट स्टाइल इन एक्सेल, टू सेट ए स्टाइल्स ऑफ ए चार्ट फॉलो दिस स्टेप, ओके। चार्ट स्टाइल को ठीक करने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए जो स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट ए चार्ट फॉर चेंजिंग इट्स स्टाइल। सबसे पहले एक चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। थ्री बटन्स विल अपीयर एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट। नंबर सेकेंड, सेलेक्ट द सेकेंड बटन नोन एज चार्ट स्टाइल्स बटन। दिस बटन कंटेन्स टू टैब्स। नंबर वन इज स्टाइल्स एंड कलर्स। एंड नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द स्टाइल टैब। स्टाइल टैब पे क्लिक करना है। इट होल्ड्स ए वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टाइल्स। स्टेप नंबर फोर, क्लिक ऑन द कलर टैब। इट होल्ड्स द डिफरेंट कलर्स, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, ओके। तो अगर हमको कुछ कलर की चेंजिंग करनी है अपने चार्ट में, तो यहाँ से इस स्टेप को फॉलो करते हुए सभी चार्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज अप्लाइंग फिल्टर ऑन ए चार्ट। फिल्टर को अप्लाई करना चार्ट में, किसी फिल्टर को अप्लाई करना, तो सबसे पहले फिल्टर को जाना जाए क्या होता है। ए फिल्टर इज अप्लाइज टू ए चार्ट टू व्यू और कंपेयर इफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा, ओके। सपोज यू वांट टू कंपेयर बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी मार्क्स ओनली, देन यू कैन डिसलेक्ट रेस्ट ऑफ द डाटा पॉइंट्स, ओके। टू अप्लाई द फिल्टर फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द चार्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर। थ्री बटन्स विल अपीयर एट द अपर राइट कॉर्नर ऑन द चार्ट, ओके। नंबर स्टेप नंबर सेकेंड, सेलेक्ट द थर्ड बटन नोन एज चार्ट फिल्टर्स बटन। दिस बटन कंटेन्स टू टैब्स, वैल्यूज एंड नेम्स। नेक्स्ट पेज टर्न, नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, क्लिक द वैल्यू टैब। स्टेप नंबर थर्ड, क्लिक ऑन द वैल्यू टैब। द वैल्यू टैब्स अलाउज यू टू एडिट द डाटा पॉइंट्स, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा पॉइंट्स एंड सेलेक्ट डिसलेक्ट द वंस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके। स्टेप नंबर फोर्थ, इफ यू वांट टू हाइड
और व्यू द नेम्स ऑफ द चार्ट. क्लिक ऑन नेम्स टैब्स एंड सेलेक्ट द पॉइंट ऑप्शंस पर योर रिक्वायरमेंट. ओके, स्टेप नंबर फिफ्थ, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन टू अप्लाई द चेंजेस. ओके, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन टू अप्लाई द चेंजेस. एंड नेक्स्ट आओ, रिसाइजिंग ए चार्ट. रिसाइजिंग मतलब हम अपने चार्ट को रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मुताबिक. टू मॉडिफाई द साइज ऑफ ए चार्ट द वर्कशीट फॉर द एडजस्टमेंट फॉलो दिज स्टेप. स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट. स्टेप नंबर सेकेंड, मूव द पॉइंटर ओवर द रिसाइजिंग हैंडल्स. द पॉइंटर चेंजिंग इनटू द डबल हेडेड एरो. नंबर थर्ड, क्लिक द ड्रैग अंटिल डॉटेड आउटलाइन ऑफ द साइज यू वांट. ओके, मींस रिसाइज हम कर सकते हैं, इस स्टेप को फॉलो करके अपने चार्ट को हम छोटा या बड़ा बना सकते हैं ड्रैगिंग करके. नेक्स्ट इज डिलीटिंग ए चार्ट. डिलीटिंग ए चार्ट, अब जिस चार्ट की हमको जो आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं. टू डिलीट ए चार्ट, अब डिलीट किसी चार्ट को डिलीट करने के लिए भी स्टेप दिए गए हैं. टू डिलीट द चार्ट, क्लिक ऑन द आउटर बाउंड्री ऑफ द चार्ट. चार्ट के आउटर बाउंड्री पे क्लिक करना है एंड प्रेस डिलीट की. उसके बाद जो है डिलीट की पे प्रेस कर देना है कीबोर्ड में. कीबोर्ड में दिया होता है द सेलेक्ट चार्ट विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्कशीट. अब आप देखेंगे कि आपका जो आपने जो चार्ट सेलेक्ट किया था वो आपके वर्कशीट से डिसअपियर्ड हो चुका है, हो चुका होगा. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन थर्ड हमारा स्टडी पॉइंट फिनिश होता है. अब एक्सरसाइज हम लोग को करना है. एक्सरसाइज में देख पा रहे हैं आप फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही अपलोड कर देंगे. और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और फेयर कॉपी पे इसको कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू.